लोग बाहर निकलते हैं, कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते हैं जी। और मार्केट में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक मिल रहे हैं। कोई एनर्जी ड्रिंक की बात करता है, कोई मैंगो ड्रिंक की बात करता है, कोई लेमन ड्रिंक की बात कर रहा है, अलग अलग तरीके के ये जो वाटर जो पैकेज जूस हैं, ये किस तरीके से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए, हमारे देश में तो प्राकृतिक साधन इतने उपलब्ध हैं, अगर आपको पानी पीना है पानी पीजिए, दूसरा नींबू लस्सी पीजिए, लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, नींबू पानी पीजिए, आम है आम का रस बना के घर में पीजिए, अमरस बना के पीजिए। लेकिन जो बाज़ार के पैक्ड फूड हैं उसमें प्रिजर्वेटिव हमें नहीं मालूम क्या क्या होते हैं, उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा, नमक भी होता है उसमें, शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक्स बच्चों में विशेषकर ये देखा गया है कि आम बच्चा भी, हर बच्चे को प्यास लगी थोड़ा सा माँ कोल्ड ड्रिंक ले ली, एक कोका कोला ले लिया, लिमका दे दिया, ये बच्चों का वेट बढ़ाते हैं। इनमें बहुत से ऐसे हानिकारक पदार्थ हैं जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और कुछ ड्रिंक्स ऐसे हैं जिसमें तो केमिकल्स लाइक क्विनिन की बहुत थोड़ी सी मात्रा होती है। और एक बच्चा तो मेरे पास आया 18-19 साल की लड़की, जिसको बार बार उल्टी हो रही थी, सब कुछ, सारे लोग टेस्ट हो गए, सब कुछ नॉर्मल। डिटेल में बात करें, माँ बाप दोनों जाते थे काम पर और उसकी आया उसको देती थी, और वो दिन में कम से कम 5 या 7 कैन एक इस उस ड्रिंक के पीली थी जिसमें क्विनिन की मात्रा होती है। क्विनिन वो दवाई है जो हार्ट रेट बढ़ा देती है। अब वो क्या उसको, ये 17-18-19 साल की लड़की थी और उसके पेल्पिटेशन, भूख न लगना, कमज़ोरी, वज़न 5 किलो कम हो गया, देश सब बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया। लेकिन सवाल ये है कि आजकल मरीज के पास बैठना बहुत ज़रूरी है, उसकी हिस्ट्री सुनना ज़रूरी है। जब 10 मिनट मैंने उससे बात की तब पता लगा कि ये तो वो ड्रिंक ले रही है जिसमें क्विनिन की मात्रा होती है। तो बहुत ज़रूरी है, माँ बाप को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा हमारे पास है या जो हम छोड़ के जा रहे हैं, तो हम फ्रिज में या घर में कोई ऐसी चीज़ ना रखें जिससे उसके लिए फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा हो जाए।